ऑस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डायल्यूशन सो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं ऑस्टवर्ल्ड जो कि काफ़ी फेमस केमिस्ट रहे जर्मन केमिस्ट जिनको 199 में नोबल प्राइज से क्या किया गया सम्मानित किया गया और उसका रीजन था कि इन्होंने केमिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स में सरफेस केमिस्ट्री में केमिकल कैनेटिक्स में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया आ, इसलिए उनको नोबल प्राइज़ मिला इन्होंने ये लॉ दिया है इस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है ये लॉ दैट इज ऑस्ट लॉ ऑफ डायल्यूशन सो ये जो लॉ आया उनका वो आरहीनियस की आ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन लॉ के बाद आया जिसमें उन्होंने एक पॉइंट नोट किया आरहीनियस का जिसमें आरहीनियस कहते हैं कि अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल को एक्वा सोल्यूशन में डिसोशिएट करें अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल को एक्वासोल्यूशन में डिसोशिएट करें तो वो अपने आइन्स में टूट जाता है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में टूट जाता है और कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिसोशियट नहीं होंगे उनको हम कहेंगे अन आयोनाइज मोलिक्यूल तो आर्नियस ने ये कहा कि जब डिसोशिएशन होता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब अन आयोनाइज मॉलिक्यूल और आयंस में एक इक्विब्रियम जो होता है वो स्टैब्लिस होता है इक्विब्रियम स्टैब्लिश होता है और जब ये इक्वलिब्रियम आता है वहीं से हमारे पास ऑस्टोवाल का लॉस स्टार्ट करता है इक्विब्रियम स्टैब्लिस होता है इसी पे बेस्ड इसी पे ऑस्टवॉल्ड ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाया और एक लॉ नया लॉ दिया जिसको हम लोग ऑस्टवॉल्ड वर्ल्ड ऑफ डायल्यूशन कह देते हैं ऐसे स्टार्ट होता है हमारे पास ऑल्ड ऑस्टवर्ल्ड डायल्यूशन लॉ सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूल है ए बी जिसका कंसेंट्रेशन इस टाइम पे सी मोल है और इसको हम लोग डिजोल्व करते हैं किसी में और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन डिजोल्व स्टेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन डिजोल्व स्टेट इसको हम लोग कह देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा ए बी जो डिजोल्व होकर किस में टूट रहा है ए प्लस और बी माइनस में कैटाइन और एनआईन में ठीक है अगर हम कंसनट्रेशन देखें तो स्टार्टिंग में Uh, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो पूरा कंसेंट्रेशन किसका होगा इलेक्ट्रोलाइट का होगा यानी ए बी का होगा तो यानी इसका कंसेंट्रेशन कितना होगा इस टाइम पे सी जो कि उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन था अब उस टाइम पे ए और बी का कंसेंट्रेशन जीरो होगा सो आफ्टर सम टाइम जब ए बी जो होगा वो डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा ए प्लस uh, और बी माइनस में तो कुछ कंसेंट्रेशन जो है वो कहा जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स में यानी आइन्स में So, वो कंसेंट्रेशन जो होता है वो सी एल्फा होता है सी एल्फा किसके पास जाएगा कैटाइन और एनाइन दोनों के पास इक्वली जाएगा सी एल्फा और सी एल्फा इसका अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे तो इसका अगर हम डिसोशिएशन कांस्टेंट लिखे तो डिसोशिएशन कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है कंसेंट्रेशन रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ठीक है हम डिराइव करें इसी फॉर्मूले को तो किस तरह से आएगा इक्वल्स टू सी एल्फा सी एल्फा अपॉन सी वन माइनस एल्फा हमने क्या किया c को कॉमन ले लिया अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से c square square c c से स्क्वायर स्क्वायर अपॉन कट जाएगा तो क्या होगा फॉर्मूला सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा और ये फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में इसी को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह देते हैं ऑस्ट्रोवर्ल्ड के डाइल्यूशन लॉ का क्लियर हो गई बात सो so, ये था ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूज किया था और इसका ऑरिजिन जो है ऑस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ है सो so, uh, ये था ऑस्टवॉल्ड के डाइल्यूशन लॉ इसका कुछ लिमिटेशन भी है लिमिटेशन ये कि ये वैलिड होता है केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में इसका जो रेंज होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का वो काफी वेरी करता है इसलिए हम इसको उसके लिए वैलिड नहीं मानते हैं जैसे के सी एल एन ए सी एल इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये लॉ वैलिड नहीं है क्लियर हो गई बात ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं